मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड आवर चैप्टर 11, दैट इज द फोर्स एंड प्रेशर, राइट? तो इन दैट प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द फोर्स एंड प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉडी. देन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड दैट देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड इन दैट देर इज़ वन टाइप ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्रिक्शन इन डिटेल, कि फ्रिक्शन एक्चुअली क्या होता है और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में. ऑल दीज एक्टिविटीज ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, सो बेसिकली फ्रिक्शन को अगर हम प्रीवियस चैप्टर में हमने जितना पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई बॉल एक ग्राउंड के ऊपर हम उसको रोल करवाते हैं तो बॉल कुछ समय रोल होने के बाद रुक जाती है, राइट? तो जब कोई बॉल ग्राउंड पर रोल हो रही है तो वो रोल होने के बाद कुछ समय बाद रुक जाएगी. तो बेसिकली वो कुछ समय बाद क्यों रुक जाती है, क्योंकि ग्राउंड और बॉल के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है और उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? सो फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होती हैं तो एक सर्फेस जब दूसरी सर्फेस के मोशन को अपोज करती है तो उस तरीके के फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फ्रिक्शनल फोर्स इन डिटेल, दैट व्हाट इज एक्चुअली द फ्रिक्शनल फोर्स एंड हाउ डज इट एक्ट ऑन द बॉडीज, राइट? ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicles at the traffic signals. आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो कार ड्राइवर्स होते हैं या जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल के पास में अपने व्हीकल की स्पीड को कम कर लेते हैं, अपने व्हीकल को स्लो डाउन कर लेते हैं. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. आप भी अपनी बाइसिकल्स की स्पीड को स्लो डाउन कर लेते हो जब जब भी ज़रूरत होती है, तो आप ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद अपनी बाइसिकल की स्पीड को स्लो डाउन कर लेते हैं. हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो जो हमारा व्हीकल है वो रुक जाता है ना? तो ऐसा क्यों होता है जिसके कारण ब्रेक्स अप्लाई करने से हमारा जो व्हीकल है वो रुक जाता है? व्हाट इज़ दैट फोर्स जो उस व्हीकल को स्टॉप कर देता है? नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनादर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. ना सिर्फ व्हीकल बल्कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखें तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरी सर्फेस पर चल रहा होता है तो वो कुछ समय बाद रुक जाता है अगर हम उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बॉल वाला एग्ज़ाम्पल था, जब बॉल को हम ग्राउंड पे रोल करवा रहे हैं तो जब तक आप उसको किक नहीं करोगे तब तक वो नहीं चलेगी, और आपने अगर एक बार किक कर दिया तो वो थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाती है. ऐसा तो नहीं है कि हमने एक बार किक कर दिया तो वो बॉल चलती रहेगी, कुछ समय बाद वो रुक जाएगी, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उस पर बाहर से अब कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है जिससे कि उसको एनर्जी मिले और वो चले, राइट? फाइनली इट स्टॉप्स. हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम, राइट? द सेम एग्जांपल दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि एक बॉल जो उस ग्राउंड पर रोल हो रही है कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. वाई डू वी स्लिप When we step on a banana peel, अगर हमारा पैर केले के छिलके पर पड़ जाता है, banana peel पर पड़ जाता है, तो हम slip हो जाते हैं, right? Why is it difficult to walk on a smooth or a wet surface? क्यों हमारे लिए ये difficult होता है एक smooth surface पे चलना? अगर tiles बहुत ज़्यादा smooth होती है, polished होती है, तो उस पर चलने में हमको थोड़ी सी problem होती है, right? या अगर हमारा फर्श गीला है, floor wet है, तो उस पर भी हमको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. तो ऐसा क्यों होता है जिसके कारण हमको चलने में प्रॉब्लम होती है? दैट थिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी हियर. स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी
दिस इज़ द बनाना पील, और उस पर अगर इस बॉय का पैर फिसल गया है जिसके कारण वो गिर गया, राइट। सो ऐसा क्यों होता है जिसके कारण वो गिर गया, यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमको इस चैप्टर में मिलेंगे। व्हेन वी कम अक्रॉस द चैप्टर देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बेसिकली एक तरह का फोर्स ही होता है, राइट। फोर्स हम ऑलरेडी इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो जो फ्रिक्शन है वो एक तरह का फोर्स ही है। अब एक नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स में क्या क्या अंतर होते हैं, और एक फ्रिक्शनल फोर्स कैसे अलग है एक नॉर्मल फोर्स से, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी। वन एक्टिविटी वॉज गिवन टू यू देयर, दैट एक्टिविटी यू हैव टू रीड बाई योर ओन, ओके। यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट अलॉन्ग द राइट। एक्चुअली मान लीजिए एक टेबल है, राइट। इस एक्टिविटी में आप अगर पढ़ेंगे तो आप, अगर ये एक टेबल है, इस टेबल को अगर मैं लेफ्ट के टू राइट के टूवर्ड मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो राइट में लगा रहा हूँ, बट एक ऐसा फोर्स भी बुक पर लग रहा है जो मेरे फोर्स को अपोज करेगा, ठीक है। और मेरे फोर्स को अपोज कब करेगा, जब उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इस टेबल टॉप और बुक के बीच में एक और फोर्स लग रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो अपोजिट फोर्स है वो इस बुक के डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है। और इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट, इस ये वाला जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, राइट। इसीलिए जब फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही जो बॉल है वो कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उस बॉल के मोशन को अपोज करेगा, और इस कारण से वो बॉल कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगी। यू सॉ दैट इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट। आप ये देखेंगे कि जब हम लेफ़्ट के टूवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो फ्रिक्शन है वो राइट के टूवर्ड लगता है। जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन है वो वर्क करेगा। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। अगर आप राइट के टूवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फ्रिक्शन लेफ्ट में वर्क करेगा, अगर हम लेफ्ट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन राइट में वर्क करेगा। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक, और दोनों ही केसेस में जो फोर्स है वो बुक के मोशन को अपोज करेगा, राइट। मतलब कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ये कोशिश करेगा कि बुक अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है। मतलब अगर आपने किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा वर्क करता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। In the above activity, the force of friction act between the surface of the book and the surface of a table. जो activity हमने discuss की, उस activity में आपने ये observe किया कि table top और book के बीच में एक frictional force लग रहा है, right? So they're acting a frictional force between the table top and the book surface. Is the friction the same for all the surfaces? क्या सारी surfaces के लिए जो frictional force है वो same रहता है, या उसकी value सबके लिए अलग अलग होती है? Does it depend on the smoothness of a surface? क्या ये किसी surface की smoothness पे depend करता है? Let us find out. हम ये find out करते हैं। तो जो frictional force रहता है वो obviously हर surface के लिए अलग अलग होता है, right? अगर हम एक रफ़ सरफेस की बात करें तो वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें किसी स्मूथ सरफेस की तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है, जिस कारण से हमको चलने में दिक्कत होती है, राइट। अगर किसी सरफेस, कोई वेट सरफेस है, अगर किसी सरफेस पे ऑयल गिरा हुआ है, ग्रीस गिरा हुआ है, तो वहाँ पे हमको चलने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, और जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है तो हम ग्रिप नहीं बना पाते हैं, और जब ग्रिप नहीं बन पाएगी तो हम ऑब्वियसली स्लिप करेंगे, राइट। नाउ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? क्यों किसी सरफेस का फ्रिक्शन अलग होता है एक दूसरी सरफेस से?
राइट, मतलब अलग अलग सर्फेसेस पे अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्सेस की वैल्यू क्यों होती है, दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी. हियर वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू, दैट एक्टिविटी यू हैव टू रीड बाय योर ओन. नाउ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस एक तरह का डिवाइस होता है दैट यू विल, यू आर गोइंग टू स्टडी इन द हायर क्लासेस. आप जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस एक तरह का डिवाइस होता है, राइट. अभी डिवाइस क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो चीज़ समझते हैं. स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि फोर्स को मेजर करने के काम में आता है. ओके, किसी ऑब्जेक्ट पर जब कोई फोर्स वर्क कर रहा है तो उस फोर्स को मेजर करने के काम में आता है स्प्रिंग बैलेंस, राइट. और इसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट भी निकाल सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट. बेसिकली ये एक ऐसा स्प्रिंग जैसा बना हुआ होता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट. ये स्प्रिंग जैसा है. जब भी आप यहाँ पे कोई सब्सटेंस हैंग कर देंगे, सपोज़ आपने यहाँ पे कोई सब्सटेंस हैंग कर दिया, तो जितना भी उसका वेट होगा वो उस अपने वेट के अकॉर्डिंग इस पर एक फ़ोर्स अप्लाई करेगा. अगर उसका वेट ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, अगर वेट कम तो फोर्स भी कम. तो जब ये कोई सब्सटेंस कोई फ़ोर्स अप्लाई करेगा तो ये स्प्रिंग जो है वो इलॉन्गेट होगी, और जब ये स्प्रिंग इलॉन्गेट होगी तो यहाँ से ये जो रीडिंग है वो नीचे आ जाएगी. आपको यहाँ पर एक स्केल दिख रही है, तो जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये रीडिंग नीचे आती जाएगी, राइट. इसका मतलब जितना ज़्यादा वेट उतनी ज़्यादा रीडिंग, और जितनी रीडिंग आई उतना हम निकाल सकते हैं. मान लीजिए आपकी रीडिंग आई 50 पर, तो हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हमने जो ऑब्जेक्ट हमने हैंग किया है उसका वेट कितना है, 50 ग्राम या 50 किलोग्राम. यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है इसलिए हम ग्राम में मेजर कर रहे हैं, राइट. तो इस तरीके से ये स्प्रिंग बैलेंस जो है वो वर्क करता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, राइट. जब हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है. स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर मूविंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल. और वो कितनी मूव हुई है, वो स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच हुई है, वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, एक पॉइंटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. जो पॉइंटर हमको इस स्केल पर ये बताता है कि वो कितनी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुई है, राइट. द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. और स्केल की जो रीडिंग है वो हमको क्या बताती है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, राइट. फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा होगा उस बॉडी का वेट. ओके, नाउ हियर वन मोर एक्टिविटी वॉज गिवन टू यू, दैट ऑल्सो यू हैव टू रीड बाई योर ओन. इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम. जब आप ये दोनों एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है देखते हैं. मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ सर्फेस और अ टेबल. You may see wooden board supported by a brick or a book. Put a mark with a pen at any point A on the inclined plane. Now let a pencil cell move down from this pointer. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread a piece of cloth over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth. Try the activity again. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, राइट. बेसिकली उस एक्टिविटी में क्या है, ये एक स्मूथ सरफेस है. इस स्मूथ सरफेस के ऊपर आपने एक वुडन ब्लॉक को इस तरीके से अरेंज कर दिया, और यहाँ से हम एक सेल को ड्रॉप करवाएंगे. तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ से जब आप एक सेल को ड्रॉप करवाओगे तो वो सेल कुछ दूर तक चलेगा, और कुछ दूर चलने के बाद वो रुक जाएगा. आपने मान लिया वो सेल यहाँ तक चला और उसके बाद रुक गया. अब सेम हमने सेम चीज़ की, लेकिन इस चीज़ में हमने क्या किया, यहाँ पर बीच में एक पेपर क्लॉथ पीस रख दिया है, ठीक है. तो जब हमने यहाँ पे क्लॉथ पीस रख दिया और फिर से सेल को मूव करवाया, तो अब वो सेल कम दूर पर ही रुक गया है, राइट. पहले उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी थी, अब उसने कम डिस्टेंस कवर करी है और वो पहले ही रुक गया है, राइट.
तो ऐसा क्यों हुआ कि वो पहले ही रुक गया? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। अब इसके बाद आपने क्या किया, टेबल के ऊपर सैंड स्प्रेड कर दी। सैंड का मतलब रेती होती है, राइट? रेती हमने स्प्रेड कर दी। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। लेकिन इस पूरे एक्टिविटी के समय आपको स्लोप जो है वो सेम रखना है, क्योंकि स्लोप को चेंज करने से भी आपके सेल के डिस्प्लेसमेंट पर फ़र्क पड़ेगा, राइट? तो हमको वो स्लोप को कांस्टेंट रखते हुए हमको केवल टेबल का जो टॉप है उस पर फ्रिक्शन की वैल्यू को चेंज करते जाना है और अपनी रीडिंग लेते जाना है। इन विच केस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। और इनमें से कौन से केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो मिनिमम है? तो आप ये देखेंगे कि अगर हमने सेंड स्प्रेड की है टेबल टॉप पर, तो उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि सेंड जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, और जब सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी तो सेल के लिए ये डिफ़िकल्ट होगा मूव करना, और जब सेल के लिए डिफ़िकल्ट होगा मूव करना तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा और वो जल्दी से रुक जाएगा, राइट? वाई इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। हर बार ऐसा क्यों हुआ कि जो पेंसिल सेल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी वो अलग अलग थी? पहले जब क्लोथ नहीं था तब वो ज़्यादा दूर तक जा रहा था, फिर क्लोथ लगा दिया तो वो कम दूर तक गया, फिर अगर सैंड हमने स्प्रेड कर दी तो वो और कम दूर तक जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ट्राई टू रीज़न वाई, ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे का रीज़न अगर हम फाइंड आउट करें तो डिस्कस द रिज़ल्ट। आप डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस ऑन विच द सेल मूव्स। क्या जो उसके सेल के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई, क्या वो डिस्टेंस उस सरफेस के नेचर पर डिपेंड कर रही थी? मतलब जैसा वो सरफेस होगी उस पर डिपेंड कर रहा है कि सेल जो है वो कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, राइट? अगर सरफेस स्मूथ है तो सेल ज़्यादा दूर तक मूव करेगा, अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है, तो वो कम दूर चलने के बाद ही रुक जाएगा, राइट? तो इसका मतलब वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो चीज़ किस पे डिपेंड करती है कि वो किस सरफेस पे मूव कर रहा है। कुड द स्मूथेस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। क्या किसी सरफेस की स्मूथनेस भी इस चीज़ को अफेक्ट करती है कि वो सेल कितनी दूर तक ट्रैवल करेगा? सो ऑब्वियसली यस, अगर सरफेस ज़्यादा स्मूथ तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, अगर वो कम स्मूथ तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम, राइट? I shall try the activity by wrapping a piece of sandpaper around the cell. अगर हम ये सेम एक्टिविटी को परफॉर्म करें सेल के ऊपर, अगर आप एक सैंड पेपर को रैप कर देते हो तो उस केस में क्या होगा? That also you can see by performing the activity. Friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. Basically friction क्यों होता है? क्योंकि दो सरफेसेस के बीच में कुछ ना कुछ रेगुलरिटीज़ होती हैं, राइट? हमको जो सरफेस प्लेन पॉलिश्ड दिखती है, प्लेन स्मूथ दिखती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो, राइट? हर सरफेस में कुछ ना कुछ रेगुलरिटीज़ होती ही हैं। अगर हम हर चीज़ों को माइक्रोस्कोपिकली देखें तो कोई भी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देख लिया हमारे घरों में जो टाइल्स लगी होती हैं वो हमको दिखने में बहुत स्मूथ दिखती हैं, बट एक्चुअल में अगर हम उसको भी माइक्रोस्कोपिकली देखें तो उसकी सरफेस कुछ इस तरीके से होती है, राइट? मतलब वो थोड़ी सी उसमें भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, वो प्रॉपर रेगुलर नहीं होती है। इवन दोज सर्फेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिनट माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ ऑन देम। चाहे कोई सरफेस हमको कितनी भी स्मूथ दिखे लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ डेफिनेटली होती हैं, कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। मान लीजिए ये कोई सरफेस है जिसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं और एक बॉल है जिसको आप इसके ऊपर मूव करवा रहे हो, उसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। तो जब ये इस बॉल की इरेगुलरिटीज़ और इस सरफेस की इरेगुलरिटीज़ वो दोनों एक दूसरे को लॉक कर देती हैं, राइट? हमने मान लिया ये इस तरीके से और ये बॉल, तो जब बॉल इस इरेगुलरिटीज़ में रुक
अटक गई, राइट, लॉक हो गई। तो इस तरीके से जब वो अब आगे बढ़ेगी, फिर आगे एक और इरेगुलरिटी, उसमें भी लॉक हो गई, फिर थोड़ी आगे बढ़ी और लॉक हो गई, और इस तरीके से धीरे धीरे करके उसकी जो स्पीड है वो ज़ीरो हो जाती है और वो रेस्ट में आ जाती है। तो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स क्यों अप्लाई होता है किसी भी बॉडी पर? इरेगुलरिटीज़ के कारण, राइट। इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सर्फेसिस लॉक इन टू वन अनदर। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. जब हम किसी भी surface पर किसी surface पे किसी object को move करवाना चाहते हैं तो हमको force apply करना पड़ता है ताकि वो इस interlocking को overcome कर पाए, right? अगर हम ball को ground पे move करवाना चाह रहे हैं तो हमको उसको kick करना पड़ेगा। अगर हम kick नहीं करेंगे तो वो कुछ समय चलने के बाद रुक जाएगी, राइट। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि उसकी रफ़ सरफेस और ग्राउंड की रफ़ सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो गई है, और अगर आप उस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करना चाहते हो तो आपको बाहर से कोई फोर्स अप्लाई डेफिनेटली करना पड़ेगा। ऑन रफ़ सरफेस देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़। रफ़ सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और स्मूथ सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ थोड़ी सी कम होती हैं। So the force of friction is greater if the rough surface is involved. और अगर surface rough surface है तो उसमें irregularities ज़्यादा होंगी, और अगर हमारी surface smooth surface है तो irregularities कम होंगी, जिसके कारण कोई object वहाँ पर ज़्यादा दूर तक move कर पाएगा और rough surface पर वो object जो है वो कम ही दूर move कर पाता है, right? दिखने में हमको ये टेबल टॉप बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, बुक की सरफेस भी बिल्कुल स्मूथ लग रही है, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो वो कुछ इस तरीके से है, राइट। मतलब उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, कहीं से वो ऊपर है, कहीं से नीचे है, और हर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली स्मूथ नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इरेगुलर हैं। इसी कारण से दो सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता है, राइट। So today we have seen that what do we mean by the frictional forces, and basically what is the reason of that frictional forces, that also we have seen ki surface ke beech mein jo irregularities hoti hain wo basically reason hoti hain kisi bhi surface do surfaces ke beech mein friction ka, right. Also we have discussed ki kisi surface ki smoothness par depend karta hai ki uske upar object ka displacement kitna hoga aur wo kitni distance travel karne ke baad रुक जाएगा, राइट। सो दैट ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। द फर्दर टॉपिक्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।